जय भीम। मेरा नाम है तरुण कुमार और आप सभी का दास रुद्रा पे स्वागत है। दोस्तों, इस समय देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। हाथरस में हुए कथित गैंगरेप के बाद एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो चुके हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि किसी युवती के साथ इतनी बर्बरता हुई हो और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हो। जहां एक ओर पहले से ही सरकार हाथरस गैंगरेप पर घिरी हुई है, वहीं दूसरी ओर एनसीआरबी की प्रकाशित 2019 की रिपोर्ट ने सरकार को कटघरे में ला खड़ा किया है। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि भारत जैसे देश में एक नारी को देवी समझकर उसकी पूजा करने वाला देश आखिर कैसे उसकी योनि के पीछे, उसके जिस्म के पीछे और उसकी मानसिक स्थिति के पीछे उसे बिगाड़ने में किस कदर तक लगा हुआ है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज जिस रिपोर्ट की बात मैं करने जा रहा हूं, वह भारत सरकार गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने वाली एक एजेंसी है। इस एजेंसी का नाम है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे अंग्रेजी में एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहा जाता है। यह एजेंसी देश भर में हुए अपराधों का लेखा जोखा रखती है और उसे प्रकाशित करती है। इसी काम को करते हुए एक बार फिर एनसीआरबी ने अपनी साल 2019 की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें सभी प्रकार के अपराधों के बारे में बताया गया है। इन्हीं अपराधों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के आंकड़े भी पेश किए गए। आइए आपको अब विस्तार से दिखाते और सरल भाषा में समझाते हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी तरह से आपको डराना, धमकाना या फिर मानसिक तौर पर किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना नहीं है, लेकिन इन आंकड़ों और वर्तमान में चल रही स्थितियों के बारे में बताना भी जरूरी है। देश भर में साल 2019 में कुल अपराधों की संख्या 51,56,172 दर्ज की गई। यह आंकड़े एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। इसमें से आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड के तहत 32,25,701 केस अपराध की श्रेणी में दर्ज हुए, जबकि स्पेशल एंड लोकल लॉ के तहत 19,30,471 केस 2019 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकाशित किए गए हैं। देश में अपराध अपने किस कदर चरम पर है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इन दो वर्षों के आंकड़ों से लगा सकते हैं कि साल 2018 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 50,74,335 केस दर्ज किए गए थे, जो कि साल 2018 से 2019 में 1.6% ज्यादा हैं। अभी जो मैंने आपको आंकड़े बताए वह तो सिर्फ एक मोटा मोटी यानी कि देश भर में हुए कुल अपराधों की संख्या थी, लेकिन अभी जो मैं आपको आगे आंकड़े बताने जा रहा हूं उन्हें देखने और सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। देश भर में किडनैपिंग से लेकर मर्डर करने तक महिलाओं के खिलाफ अपराध, बच्चियों के खिलाफ अपराध, बुजुर्गों के खिलाफ अपराध, यहां तक कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध, साइबर क्राइम, मानव तस्करी, इतना ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ वातावरण के खिलाफ भी अपराध किए गए हैं। लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा और आप सुनते सुनते, लेकिन यह लिस्ट खत्म नहीं होगी। लेकिन इस समय या फिर पिछले कुछ सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराध अपने किस चरम सीमा पर थे, आइए मैं आपको बताता हूं। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े इतने भयंकर हैं कि आप उन्हें देखते वक्त अपनी पलके तक नहीं झपका पाएंगे। साल 2019 में यानी कि सिर्फ एक साल में महिलाओं के खिलाफ 4,05,861 केस दर्ज किए गए, जो इस बात को दर्शाता है कि साल 2018 से यह पूरे 7.3% ज्यादा है। साल 2018 में 3,78,236 केस दर्ज किए गए थे। अब आपको थोड़ा सा और सरल भाषा में समझाता हूं कि यह केस किस श्रेणी में महिलाओं के साथ किए गए।
सबसे ज्यादा केस आईपीसी के तहत यानी कि इंडियन पेनल कोड के तहत महिलाओं के रिश्तेदारों या फिर उनके पति द्वारा महिला के साथ की गई क्रूरता में दर्ज किए गए। इन अपराधों का रेट देश में 30.9% रहा। इतना ही नहीं, किडनैपिंग या फिर अपहरण के इरादे से महिला के साथ जबरदस्ती करने का केस का प्रतिशत 17.9 रहा, जबकि महिलाओं पर हमले के इरादे से उन पर हमला करने या फिर उन्हें बुरी तरह से घायल करने के लिए किए गए हमलों का प्रतिशत 21.8 दर्ज किया गया। देश में रेप की बात करें तो महिलाओं के साथ 2019 में रेप के मामले 2018 से 7.9 यानी कि लगभग 8% ज्यादा दर्ज किए गए। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि महिलाओं को हवस के दरिंदों द्वारा और भी अधिक तेजी के साथ उनका शिकार होना पड़ा। इसे और सरल शब्दों में बता जाए तो 1,00,000 महिलाओं पर दर्ज किए जाने वाले अपराधों का आंकड़ा जो कि 2019 में 62.4% है, वह साल 2018 में 58.8% से कहीं ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि केवल गांवों में, कस्बों में या फिर छोटी जगह पर रहने वाली महिलाओं के साथ ही रेप, किडनैपिंग, छेड़खानी या फिर उनके साथ उन्हें प्रताड़ित करने की घटनाएं सामने आती हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में शामिल देश के 19 महानगरों के आंकड़े देखने पर पता चलता है कि महिलाओं के साथ रेप केवल गांवों में या फिर छोटी जगह पर ही नहीं होता, बल्कि बड़े बड़े शहरों में रहने वाली महिलाओं के साथ भी हवस के दरिंदे हमेशा उनकी आबरू पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। देश के 19 महानगरीय शहरों जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयंबटूर, दिल्ली, गाजियाबाद, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता, कोझिकोड, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे और सूरत जैसे शहर शामिल हैं। इन सभी महानगरों में साल 2019 में 8,60,960 केस दर्ज किए गए, जिसमें आईपीसी की धारा के तहत 6,04,897 केस और स्पेशल एंड लो के अधीन 2,56,063 केस दर्ज किए गए, जो इस बात को दर्शाता है कि साल 2018 से 2019 में अपराधों की संख्या में 7.3 की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान आईपीसी की धाराओं के तहत रजिस्टर्ड होने वाले अपराधों में भी जबरदस्त उछाल होते हुए 10.9 की वृद्धि देखी गई। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बात करें तो महानगरीय शहरों में साल 2019 में 45,485 केस दर्ज किए गए, जो कि 2018 के 42,180 केसों से 7.8% ज्यादा है। इन सभी केसों में सबसे ज्यादा केस महिलाओं के पति या फिर उसके रिश्तेदार द्वारा उसे प्रताड़ित करने के लिए दर्ज किए गए, जिनका प्रतिशत 20.9 रहा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों का आंकड़ा इतना भयंकर और डरावना है कि यह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब आपकी देश के उन राज्यों और केंद्र प्रशासित राज्यों से मुलाकात करवाता हूं जहां महिलाओं के खिलाफ अपराधों का आंकड़ा पिछले 3 सालों यानी कि 2017 से 2019 तक लगातार बढ़ रहा है। इन राज्यों में असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र प्रशासित राज्यों में दिल्ली और लक्षद्वीप में भी महिलाओं के खिलाफ अपराधियों का बोलबाला है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रतिशत में एकमात्र प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक ऐसा प्रदेश है जहां महिलाओं के खिलाफ अपराधों का प्रतिशत सबसे ज्यादा यानी कि 14.7 दर्ज किया गया। इसके अलावा इससे कम राजस्थान में 10.2 जबकि 7.5 के साथ पश्चिम बंगाल और 7.4 के साथ असम में
महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज किए गए। महिलाओं के साथ रेप, गैंग रेप, दहेज के लिए परेशान करना, यहां तक कि उन्हें जबरन शादी के लिए मजबूर करना, उनका किडनैप कर लेना, उनका गर्भपात कराना, यहां तक कि एक 2 माह की बच्ची से लेकर बुजुर्ग महिला तक की जिंदगी को दरिंदों द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद वो कभी खत्म ही ना हो। लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट इन बिंदुओं पर क्या कहती है, आइए आपको इस हकीकत से रूबरू कराता हूं। साल 2019 में महिलाओं के साथ रेप या फिर गैंग रेप कर उन्हें जान से मार देने के कुल मामले देश भर में 283 दर्ज किए गए। इस मामले में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 47, मध्य प्रदेश में 37 जबकि उत्तर प्रदेश में 34 मामले महिलाओं के साथ रेप या फिर उनके साथ गैंग रेप कर जान से मार दिया गया। हवस के दरिंदों के साथ साथ दहेज के लोभी भी इस मामले में पीछे नहीं है। दहेज न मिलने पर महिलाओं को जान से मार देने के कुल मामले देश भर में 7,115 दर्ज किए गए। इसी कड़ी में केवल उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 2,000 से अधिक केस दर्ज किए गए। यहां पर कुल केस 2,410 दर्ज किए गए। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपहरण करने में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। यहां पर 12,649 ऐसे मामले दर्ज किए गए जिसमें महिलाओं का अपहरण किया गया, जबकि देश में ऐसे कुल मामलों की संख्या 72,780 रही। अब ऐसी गंदी मानसिकता से आपको रूबरू कराता हूं जिसमें 18 साल से कम उम्र की लड़कियों का जबरन अपहरण कर उन्हें शादी के लिए विवश किया गया। इस मामले में बिहार से 4,482 जबकि उत्तर प्रदेश से 4,029 केस सामने आए। कुल मिलाकर सभी राज्यों और सभी केंद्र प्रशासित राज्यों में 15,615 बार इस तरह के मामले दर्ज किए गए। मानव तस्करी के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा। महाराष्ट्र में मानव तस्करी के 220 मामले दर्ज किए गए जबकि देश में कुल मामले 966 सामने आए। देश में लगातार बढ़ते रेप के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार इस बात का दम भरती है कि देश की महिलाएं देश के हर कोने में सुरक्षित हैं, लेकिन वहीं हर दूसरे दिन रेप या फिर गैंग रेप की वारदातें सामने आ जाती हैं। आइए अब आपको उन तथ्यों से रूबरू कराता हूं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि न तो देश में रेप कम हुए हैं और न ही हवस के दरिंदों की हवस। हवस भी ऐसी कि जिस्म के भूखे दरिंदों के लिए न तो कोई नाबालिग लड़की है और न ही कोई बुजुर्ग महिला। उनके सामने तो सिर्फ अपनी जिस्म की प्यास ही सबसे बड़ी है। देश में रेप के कुल मामले 32,033 दर्ज किए गए और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी में उत्तर प्रदेश में 3,065 केस दर्ज हुए। हालांकि इससे ज्यादा केस राजस्थान में दर्ज किए गए। राजस्थान में महिलाओं के साथ रेप के मामले 5,097 दर्ज हुए। इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल ऐसे राज्य हैं जहां 2,000 से भी अधिक रेप के मामले दर्ज किए गए। वहशी दरिंदों ने अपनी हवस के कारण मासूम नाबालिग लड़कियों को भी अपना शिकार बनाया जिनकी उम्र 18 साल से कम थी। ऐसे मामले देश भर में 4,940 दर्ज किए गए। इस मामले में राजस्थान में 1,313, केरल में 1,262 और उत्तर प्रदेश में 270 केस दर्ज किए गए। इतना ही नहीं, 18 या 18 साल से ज्यादा की लड़कियों की अस्मक को भी तार-तार किया गया। ऐसे मामलों में राजस्थान पहले स्थान पर रहा जहां 4,684 मामले दर्ज हुए, उत्तर प्रदेश में 2,795, मध्य प्रदेश में 2,485 और महाराष्ट्र में 2,299 मामले दर्ज किए गए। कुल मामलों की संख्या 27,093 रही। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम से तेज रेप इन इंडिया ने पकड़ी हुई है। कड़े कानून, कड़े नियम और कड़ी सुरक्षा का हवाला देते हुए देश की सरकार भी इस बात को मानती है कि महिलाएं सुरक्षित हैं। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं। साल 1980 से लेकर 2019 तक में, साल 2003 में देश में आपराधिक मामलों का प्रतिशत सबसे कम रहा था।
उस समय 160.7% आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। खास बात यह है कि साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी देश की कमान संभाले हुए थे, लेकिन 2019 में अपराधों का यह आंकड़ा सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। अपराधियों के आंकड़ों का प्रतिशत 2019 में 241.2 रहा और इस समय देश की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में है। नरेंद्र मोदी सरकार भी इस बात का दम भरती रही है कि उनके राज्य में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब राम राज्य आ गया है, लेकिन उस राम राज्य की परते एनसीआरबी की रिपोर्ट खोल कर रख देती है। साल 2014 में कुल अपराधों के मामले 28,51,563 दर्ज किए गए। इस साल अपराध का प्रतिशत 229.2 रहा। साल 2015 में अपराध के कुल मामलों की संख्या 29,49,400 दर्ज किए गए। इस साल अपराध का प्रतिशत बढ़कर 234.2 हो गया। साल 2013 में अपराध के 29,75,711 मामले दर्ज किए गए। इस बार अपराध का प्रतिशत 233.6 रहा। साल 2017, इस साल 30,62,579 अपराध के मामले दर्ज किए गए। 2017 का आपराधिक प्रतिशत 237.7 रहा। साल 2018 में 31,32,955 मामले आपराधिक गतिविधियों में दर्ज किए गए। इस बार अपराध का प्रतिशत 236.7 रहा। साल 2019, इस साल 32,25,701 मामले दर्ज किए गए। 2019 में अभी तक का आपराधिक प्रतिशत सबसे ज्यादा दर्ज किया गया, जिसका प्रतिशत 241.2 है। एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित साल 2019 की 1,506 पन्नों की यह रिपोर्ट देश में हो रहे अपराधों का कच्चा चिट्ठा खोलकर सबके सामने रख देती है। देश में एक घंटे में लगभग 4 रेप किए जा रहे हैं। बच्चियों से लेकर बुजुर्गों तक के साथ की गई हैवानियत का यह कच्चा चिट्ठा खुद भारत सरकार की एजेंसी द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी देश की सरकार इस बात का दम भरने में जरा भी नहीं हिचकती कि देश की महिलाएं सुरक्षित हैं। असल में रिपोर्ट इतनी लंबी है कि आप इसे पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन रिपोर्ट खत्म नहीं होगी। न केवल सरकार को, मीडिया को और समाज में रह रहे लोगों को इस बात को समझना होगा कि आसपास में हो रही आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाए और उनके खिलाफ मिलकर आवाज उठाई जाए। देश से अपराध तभी खत्म किया जा सकता है जब आप और हम मिलकर इसका सामना करें। नियम, कायदे या फिर कानून बना देने भर से अपराधियों के मन में डर पैदा नहीं होगा जब तक उन्हें चौराहे पर लाकर उनकी असलियत ना दिखाई जाए। तो आप लोग भी सतर्क रहिए, आंखें खुली रखिए और सुरक्षित रहिए। ऐसी ही एक और रिपोर्ट के साथ आप सभी के सामने बहुत जल्द हाजिर रहूंगा। जय भीम।